अगले कॉलर हैं वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार सिस्टर। नमस्कार सर। हाँ गुरु जी नमस्कार। वीरेंद्र जी स्वागत है आपका। जय हिंद। गुरु जी क्या बात है, कई दिनों में दिखाई दी, हम तो डेली परेशान हो जाते हैं। तबीयत तो ठीक थी गुरु जी अपनी? हाँ कुछ तबीयत नासाज थी। हाँ क्योंकि डर ही रहता है, पता नहीं क्या हो गया, कहीं दोबारा खराब ना हो गई तबीयत। अब डर ही यही रहता है, पता ही नहीं चलता। डेली देखते हैं देखते हैं, सुबह भी बहुत मिला है, मिल ही नहीं रहा फोन। जी गुरु भी जी थोड़े चंद सवाल है सिस्टर। जी। गुरु जी रखू सवाल थोड़े चंद है। अच्छा जी। गुरु जी, गाय का घी बनाते हैं अपन लोग? गुरु जी तो ये है, और गुरु जी एक मैंने पहले सवाल किया था, वो बच्ची का बताया था ना, गर्दन जो छोटी बच्ची है 2 साल की, उसकी गर्दन पूरी तरह से मूवमेंट नहीं कर पा रही है, और वो उल्टी कर देती है, जैसे बादाम का गोंद आपने बताया था, वो उल्टी कर देती है, दूध देते हैं ना तो उल्टी कर देती है वो। एक ये सवाल है गुरु जी। और गुरु कितने जी साल एक की ये है बच्ची कि है? वो 1.5-2 साल की बच्ची है, ठीक और है। गुरु जैसे हम हल्दी को एक उसमें ले लेते हैं कच्चे रूप में, ये कच्चे रूप वाली हल्दी अच्छी रहती है, कच्ची सूखी वाली अच्छी होती है, ये ठीक सवाल। है। और गुरु जी बादाम किस तरह का ले, क्यों मार्केट में बादाम कई तरह के आते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा, मतलब कई तरह के बादाम है, इस बारे में थोड़ी रोशनी डाले गुरु जी। और गुरु जी एक ये है कि मैं सुबह हमारे यहाँ आरती करते हैं बच्चे लोग, तो सभी लोग शंख बजा लेते हैं, जो शंख होता है मुंह से जो बजाते हैं, लेकिन मैं नहीं बजा पाता हूँ गुरु जी, कहीं इसमें ऐसा तो नहीं कि फेफड़े कमजोर हो, क्योंकि बजा ही नहीं पाता हूँ मैं, और मेरा छोटा बच्चा ये भी बजा लेता है, मुझसे शंख नहीं बज पाता गुरु जी। ठीक है। और एक गुरु जी जैसे हमारे शरीर का जो एसिड होता है पेट में जो बोलते हैं ना अमल, इसका पीएच लेवल कितना होना चाहिए गुरु जी, एक इस पर थोड़ा जब रोशनी जरूर डालो गुरु जी। ठीक और है। गुरु जी आपकी तबियत ठीक है थोड़ा, गुरु जी आप आया करो, क्योंकि निरंतर मिला करो, क्योंकि दिल नहीं लगता बिल्कुल भी जब तक आपको देखते नहीं है सवाल, क्योंकि लत ऐसी लग चुकी है आपकी, क्योंकि जब तक आपके ये जो बोलने का सटीक और सादगी जो उत्तर होता है ना आपका, ये इतना अच्छा लगता है, क्योंकि आप हर चीज एक लिमिट में बोलते हो एकदम सटीक, पॉइंट टू पॉइंट। धन्यवाद गुरु जी। बहुत धन्यवाद। बताइए सवाल। जी, छोटी बच्ची है, गर्दन मूवमेंट में दिक्कत और उल्टी कर देती हैं 1.5-2 साल की हैं। और देखिए उन पर बस बार बार कोशिश कर सकते हैं, वो भी कम तादाद में बच्ची को दवा देकर, वरना हमसे भी अच्छी दवाएं जो हैं वो एलोपैथ वालों के पास हैं, फिर उनसे आप करा सकते हैं। थोड़ा वक्त लगेगा उनको फ़ायदा होने में, थोड़ी बड़ी होने दीजिए। इस पर हम पूरी तरह से दवाएं देना भी नहीं चाहते और देनी भी नहीं चाहिए, कि कहीं उसको फ़ायदा चाहे देर में हो लेकिन नुकसान 1% भी नहीं होना चाहिए। तो बच्ची के मामले में थोड़ा वेट करें आप, तब उनको फ़ायदा मुमकिन हल्दी कौन सी अच्छी है, कच्ची या सूखी? है। हल्दी तो वैसे दोनों अच्छी है, लेकिन सूखी हल्दी से कच्ची हल्दी बहुत बेहतर मानी जाती है। जी, बादाम कौन सा अच्छा है? बादाम वैसे तो बहुत आते हैं मार्केट में, लेकिन एक बादाम होता है मामरा बादाम, मामरा, ये वज़न में बहुत हल्का होता है, यानी अगर आम जो बादाम है आप लेंगे और मामरा बादाम लेंगे तो 1 किलो में मामरा बादाम दुगने चढ़ते हैं उससे, हल्का बहुत होता है। और ये बादाम आप इस्तेमाल करें तो सबसे बेहतर कहलाते हैं। जी, पूजा करते वक्त ये शंख नहीं बजा पाते, इनका बच्चा तक बजा लेता है, तो फेफड़ों में कोई तकलीफ तो नहीं है? हाँ कुछ चेक करा लें फेफड़े का मूवमेंट, और आप इतने मजबूत होने के बावजूद क्यों नहीं बचा पा रहे, और नहीं समझ में आया। हालांकि मैंने कभी शंख बजाया नहीं है, नहीं तो मैं उसके बारे में पूरा विस्तार से बता सकता था कि क्यों नहीं बजा पाता आदमी। और हमारे गले में और फेफड़ों में और फूंक में ये तीनों ताकतें मिलके शंख को बजवाती हैं। अब बच्चे लोगों में तो ये बेहिसाब होती है ताकत, बच्चों में और जवानों में ताकत बेहिसाब होती है, अकल बहुत हिसाब किताब से होती है, बहुत कम होती है। बड़ी उम्र के लोगों में ताकत चाहे कम हो जाए लेकिन अकल और तजर्बे उनके बहुत कामयाब होते हैं, जो ठोकरें खाकर बच्चे सीखते हैं, ये उनको बगैर ठोकर खाए सिखाना चाहते हैं हम
बड़ी उम्र के लोग, ताकि इनको वो तकलीफ ना आए जो हम लोगों ने उठाई है। जी, पेट का अमल में पीएच लेवल इन्होंने कुछ पूछा था हकीम साहब। हाँ देखिए, इन्फेक्शन का अगर आप लेवल पूछ रहे हैं तो वो 10,000 होना चाहिए, उससे ज़्यादा जो है वो फिर नुकसान देने लगता है। देखिए, जो भी चीज़ें हमारे जिस्म में होती है, मिसाल तौर पर इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन होना चाहिए, लेकिन कितना होना चाहिए? अगर बढ़ गया तो नुकसान है, कम हुआ तो नुकसान है। वो चीज़ को, गिज़ा को सड़ाने का सिस्टम, तो वो बढ़ जाए तो भी नुकसान और कम हो जाए तो भी नुकसान। डायबिटीज़ कितनी होनी चाहिए? कम हो जाए तो तकलीफ़, ज़्यादा हो जाए तो तकलीफ़। तो किसी भी चीज़ का लेवल वो अपने लेवल पर रहे तो हम स्वस्थ कहलाते हैं। बढ़ जाने या घट जाने को बीमारी कहते हैं। तो वही सब चीज़ें हमारे जिस्म में हैं जो आपके जिस्म में हैं, इन्हीं में जब जो घट जाता है तब बीमार, बढ़ जाता है जब बीमार। अब डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ यही है कि हम 100 के अंदर रहे खाली पेट, और खाने के बाद 140 के अंदर रहे तो हम स्वस्थ कहलाते हैं। अब ये अगर ज़्यादा जिगजैग होती है तो हम बीमार होते हैं। बस यही है, पूरे जिस्म की हिस्ट्री उसे लेवल पर रखना एक समझदार आदमी या एक डॉक्टर का काम है। उसे लेवल पर रखने से हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी, अगले कॉलर हैं शकुंतला जी, स्वागत है आपका। जी, मैंने एक तो एक्सरा कराया है कड़िया का। ठीक है, कड़ में जो एक्सरे में आई है नस दबेड़ी, वह आप कौन से नंबर पे भेजूं? आप करें भी एक्सरा मेरा देख के ना कुछ बता सको तो। नसे दबी हुई है? हाँ, नसे दबी हुई है, ये एक साइड की एक्सरे में। ठीक, कहाँ की? पैरों की ना मैम, या कड़िया गिरी डाली हड्डी की नाड़िये में दे सकना है। कमर की ना? हाँ, कमर की। ठीक, अच्छा, भेजने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपने बता दिया, डॉक्टर ने बता दिया और मैंने सुन लिया, बस काफ़ी है। अब आपको दवा करनी है इसकी। दवा क्या है? धनिया आपके किचन में, आधा चम्मच धनिया और गोंद सिया आधा ग्राम, काला गोंद, असली लेना, नकली बेहिसाब मिल रहा है। असली गोंद सिया ले लें, आधा ग्राम गोंद सिया और आधा चम्मच धनिया का पाउडर खा लें, पानी पी लें या दूध पी लें। नाश्ते के बाद खाना है और रात को खाने के बाद खाना है। आधा आधा ग्राम खाइए और स्वस्थ हो जाइए। वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ कीजिए, झाड़ू पोछा बिल्कुल ना करें। हो सकता है आप ये गाय भैंसों का काम करते हो, आपकी लैंग्वेज से तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मेहनती हैं, तो मेहनत का काम छोड़कर ये दवाएं खाएं और स्वस्थ हो जाएं, बहुत जल्दी आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, बलबीर जी हैं नेक्स्ट कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जय हिंद सर। सर, क्या नाम, मेरी वाइफ की उम्र 26 साल है। हाँ मैम, उसके क्या नाम, फेस पे ना पिंपल्स हो जाते हैं। पेट पे? नहीं, फेस पे। फेस पे? फेस पे। हाँ जी मैम। ठीक है, ठीक, 26 साल उम्र है, पिंपल्स हो जाते हैं फेस पे। देखिए, पिंपल्स भी अजीब है, अगर ये बच्चियों को तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं और चेहरा अजीब लगने लगता है और वो इतने परेशान रहते हैं, यहाँ तक कि दिमाग पर भी असर पड़ जाता है। लेकिन एक ऐसा नुस्खा है जो इनके पिंपल्स को अच्छा कर दे। तो देखिए, पिंपल्स होते क्यों हैं? हमारे खून की गर्मी या खून की हिद्दत हम कहते हैं, खून की गर्मी या पेट की गर्मी, और इसको निकालता है धनिया। धनिया लें, धनिया का पाउडर तो हर किचन में होता ही है, धनिया लें और आधा चम्मच खा लें, और एक चुटकी नमक जैतून असली वाला, देखिए नकली मत ले लेना,
नुकसान भी दे सकता है। असली वाला नमक जैतून, एक विशेष नमक दुनिया का जो जैतून के फल से निकाला जाता है, पानी में मिलाएं एक चुटकी बस। इस पानी से आधा चम्मच धनिया रोज़ खिला दिया करें, बस एक बार या दो बार। ये पूरा खून को साफ करता है, चेहरे को साफ करता है, निशानात को दूर करता है, पेट की गर्मी दूर करता है, पेट को अच्छा रखता है, पेशाब को साफ करता है, खून को साफ करता है। और भी बहुत फ़ायदे हैं इसके, आप ये शुरू करा दें, आपकी पत्नी को फ़ायदा मुमकिन है। जी भूपेंद्र जी हैं नेक्स्ट कॉलर, स्वागत है आपका। जी सर बताइए, सवाल करिए। मैम मेरा प्रॉब्लम है, मेरे सिर में रूसी बहुत होता है। रूसी बहुत होती है? जी मैम। एज कितनी है आपकी? मेरा एज है 19। जी जी, खाली सर में रूसी होता है तो हमारी माएँ जो हैं, ये जो हमारे घर में दूध आता है इसकी मलाई उतार उतार के जो घी निकाल लेते हैं, ये घी अपने सर में ऐसे लगाकर वो मालिश करके और रखें, और जब तक भी रख सकें, और फिर दो घंटे बाद वॉश कर लें, नहा लें, गुसल कर लें। ये 3-4 दिन करेंगे तो आपको बहुत आसानी से फ़ायदा होना मुमकिन है। जी तो अभी तो भूपेंद्र जी आपकी एज बहुत छोटी है, तो आपको जैसे कि बालों में रूसी हो गई है, हकीम साहब ने आपको नुस्खा बता दिया है, इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। दर्शकों देखिए, उम्र कोई सी भी क्यों ना हो, लेकिन हमें फिट रहना, हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम खुद को वक्त नहीं दे पाते हैं। लेकिन जब आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको कहीं जाना नहीं होता है, सिर्फ आपको घर बैठे बैठे उन नुस्खों का फ़ायदा उठाना है जो आप किचन में मौजूद हैं। लेकिन क्या कुछ हो सकते हैं वो नुस्खे, वो आप जान सकते हैं हमारे साथ जुड़ के इन नंबर्स पे कॉल करके जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे हैं। उड़ीसा से हैं पूर्वी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। नमस्कार जी मैम, बोलिए, प्रश्न करिए। मेरे 4-5 सवाल हैं। जी मेरी उम्र 22 साल है। एक्चुअली मुझे भूख नहीं लगती है। मुझे भूख नहीं लगती है और सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। और मैं जरा सा काम कर लूँ तो मतलब बहुत कमजोरी फील होती है, बहुत जल्दी थक जाती हूँ। जी और वजन भी नहीं बढ़ रहा है मेरा। कितना वजन है आपका? 36। 36 अंडरवेट। जी अच्छा, देखिए ऐसे बैठे हैं मेरी तरह और ये कान ये मोंढे से लगाने की कोशिश करें, नहीं भी लगे तब भी आप ये एक्सरसाइज करें रोज़ाना 3 मिनट। इसे सर में दर्द रहता है उसके लिए बता रहा हूँ। और ये ठोटी यहाँ से पकड़े, वो देखिए ये यहाँ तक आ जाती है ऐसे, ये भी 3 मिनट करें। अगर 10 दिन या 15 दिन लगातार करते हैं 3-3 मिनट, तो सर दर्द में फ़ायदा मुमकिन है बगैर दवा के। अब आप अंडर एज हैं और वज़न नहीं बढ़ता है, तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा नुस्खा है, सौंफ, धनिया, सौंफ और धनिया, ये ऐसे 100-100 ग्राम खरीदें और पाउडर यानी चूर्ण बना के रख लें। और एक आता है नमक जैतून, नमक जैतून एक चुटकी पानी में मिलाएं, और इस पानी से ये सौंफ और धनिया का 1 चम्मच पाउडर रोज़ाना एक बार या दो बार खाया करें, बस काफ़ी है। इससे आपको भूख लगेगी और जो भी आप खाएंगे आपके जिस्म को लगेगा। आप अब जो भी खाती है वो जिस्म को लगता नहीं, एक तो भूख ही नहीं लगती, तो इससे आपको एकदम भूख लगेगी और जो भी खाएंगे जिस्म को लगेगा, बहुत जल्दी आप अच्छी हो सकती है। जी फरजाना है इंदौर से, स्वागत है आपका। जी मैम। जी मैम बताइए। जी सर नमस्ते मैम। जी नमस्ते। सर से बात करनी थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, मुझे ये पूछना था कि मेरी बेटी है एक मायशा 10 साल की, अभी वो 16 मार्च को 10 साल की कंप्लीट हो जाएगी। तो सर मैम उसकी हाइट नहीं बढ़ रही सर, उसकी जो क्लास के बच्चे हैं और वो काफी छोटी है उसकी हाइट। उसके लिए अभी मैंने यूट्यूब से सर्च करा था सर का,
तो वो कुछ अखरोट ब्रश ऐसा कुछ मुझे बताया, तो सर मैं कैसे क्या दूं, आप मुझे सजेस्ट करें कि मेरी बेटी की हाइट के लिए मैं क्या करूं। और सर मेरा बेटा है वो 14वें साल में चल रहा है, दोनों को ही हाइट को लेकर मुझे मैटर है, तो आप कुछ मुझे बताएं सर मैं क्या करूं। ठीक, देखिए अखरोट ब्रश ले तो आधा से एक चम्मच तक दे सकते हैं दिन में एक बार, बच्ची को आधा आधा चम्मच और बच्चे को एक एक चम्मच दो बार भी दे सकते हैं। और वैसे इसके लिए मैं ये भी बताता हूँ कि गौंद मोरिंगा सफ़ेद असली वाला, गौंद मोरिंगा सफ़ेद असली ही ले और एक एक ग्राम दोनों को दूध के साथ, पानी के साथ या नारियल पानी के साथ सबसे बेहतर है ये दे दिया करें, इंशाल्लाह उनको फ़ायदा मुमकिन है।